मेलो शीलो शालो खेलना सुने ना अरे चुटकी बिटिया, अरे सुना ना, देख कौन आया है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते, कैसे हो तुम दोनों? ठीक है मास्टर जी। पेट में कीड़े हैं या गए? नर्स बहन जी ने पेट के कीड़े मारने की दवा दी थी तो उससे सब निकल गए। गोली कड़वी थी ना? कड़वी तो नहीं थी पर बहुत बड़ी थी। अम्मा ने मुझे टुकड़े करके दी थी। चलो बच्चों, सब लोग इधर आओ। ये देखो छोटे छोटे पौधे इस मौसम की साग सब्जियों के, जैसे तोरी, घिया, टमाटर, सीताफल। पर मास्टर जी, हम इनका करेंगे क्या? इन्हें हम अपने घरों में, आंगन या आसपास की क्यारियों में लगाएंगे और फिर इनका ख्याल रखेंगे, इन्हें रोज पानी देंगे और मवेशी इन्हें खा ना जाएं इसलिए इनकी निगरानी भी करेंगे। फिर इनमें फल मतलब सब्जियां आएंगी ना मास्टर जी? हाँ, कुछ समय बाद इनमें सब्जियां आ जाएंगी जो हमें पौष्टिक तत्व देते हैं और हमें बहुत सारी ताकत देंगे। मास्टर जी, इन सब्जियों को उगाने के लिए क्या कोई खर्चा भी होगा? होगा ना, थोड़ा समय, थोड़ी मेहनत और थोड़ी देखरेख। तो तैयार है सब बच्चे? हाँ मास्टर जी। अपने अपने घरों में एक एक पौधा लगाएंगे? जी मास्टर जी। तो चलो करते हैं काम शुरू। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन्हें कैसे लगाना है और क्यारियां कैसे खोदनी है। राजू, तू वहां पड़ी वो खुरपी ले आओ। और चीकू, तुम वो तसला ले आओ। अब हम इसमें पौधा लगाएंगे। चलो रजनी, तुम पानी दो। क्या बात है सुनैना, सब ठीक तो है? जी मास्टर जी। पर देखकर तो लगता है कि कोई बात है। आजकल तुम घर से भी काम ठीक तरह से करके नहीं लाती। कल मैंने जो सवाल दिए थे वो भी तो तुमने ठीक तरह से नहीं किए। अगर कोई बात है, कोई मुश्किल है तो बताओ। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, तुम्हारा नन्ना मुन्ना भाई नयन कैसा है? अरे रो क्यों रही हो? मुझसे कोई प्यार नहीं करता मास्टर जी। जब से मेरा भाई आया है मैं हर वक्त उसी को गोद में लेकर बैठी रहती है। मुझे तो अब अपने साथ सुलाते भी नहीं मास्टर जी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। नहीं सुना ना, ऐसा नहीं सोचते। देखो तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, उसे हर वक्त तुम्हारी माँ की जरूरत है। जब तुम उसकी उम्र की थी ना तो तुम्हारी माँ ने ठीक इसी तरह तुम्हारी देखभाल की थी, है ना? तभी तो तुम इतनी होशियार और स्वस्थ हो। इस वक्त नयन की देखभाल में तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए।
नयन बिल्कुल उन छोटे पौधों की तरह है जिनकी देखभाल बहुत जरूरी होती है। एक काम करते हैं, तुम ये पौधा अपने घर ले जाओ और इसे अपनी माँ के नाम से लगाओ, देखना अम्मा कितनी खुश होंगी। करोगी ना? लो। अम्मा एक बात बोलूं? बोल। गुस्सा मत होना। अब बोलेगी भी? वो सब अपने बच्चों को आंगनवाड़ी भेज रहे हैं। कौन सभी? वही शीला, चंपा, सरोज। तो हमें भी अपने बच्चों को आंगनवाड़ी भेजना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कुएं में कूदे तो हमें भी बिना सोचे समझे कुएं में कूद जाना चाहिए। इसमें कुएं में छलांग लगाने वाली कौन सी बात है, वहां तो इन्हें खाना मिलेगा, साफ सुथरी जगह है, इनकी देख रेख होगी, खेल कूद होगा और कुछ सीख भी लेंगे। क्यों, अपना घर साफ नहीं रहता क्या? या फिर मैं गंदी रहती हूँ? तू कहना क्या चाहती है बहू? हमने अपने बच्चे नहीं पाले इस घर में, और वो ऐसा क्या सिखाएंगे जो हमें नहीं मालूम? बिगड़ती क्यों हूँ अम्मा, वहाँ इन्हें गिनतियाँ, गाने, कविताएं सिखाएंगे, स्कूल जाने की तैयारी कराएंगे, और बिट्टू तो अभी छोटा है, उसे रहने देते हैं, मगर गुड़िया तो पूरे 3 बरस की हो गई है और अब स्कूल भी जाएगी, उसे भेज देते हैं और आपका भी काम हल्का हो जाएगा। जबरदस्ती की चिंता तो तू जता मत। और ये गोल गोल बात क्या कर रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तू चाहती ही नहीं कि मैं तेरे बच्चों की देखभाल करूं? आप गलत समझ रही हो अम्मा। अरे क्या हो गया, बाहर सड़क तक आवाज आ रही है तुम लोगों की, हां? अरे होगा क्या, तेरी जो लुगाई है ना, इसको अपने पराए और पराए अपने लगने लगे हैं। क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि बच्चों की देखरेख अब आंगनवाड़ी में होगी, तेरी बूढ़ी माँ की आंखें जो कमजोर हो गई हैं। मैंने ऐसा कब कहा अम्मा, मैंने तो बस ये कहा था कि अगर वहाँ जाएंगे तो कुछ सीख जाएंगे, इनकी अच्छी देखरेख हो जाएगी। देखरेख? हाँ, अरे इतनी जल्दी भूल गई कि वही जगह है जहाँ से तू अपनी गुड़िया को टीका लगवा कर आई थी, सारी रात बुखार में तपती रही थी वो। टीकाकरण के बाद तो बुखार आता ही है अम्मा, और ये बात तो बहन जी ने भी कही थी। अरे बस कर ये अपनी आंगनवाड़ी की कथा, अगर अम्मा नहीं चाहती कि बच्चे वहां पर जाएं तो बच्चे वहां पर नहीं जाएंगे। और सुन, ये अपनी फालतू की बातों में ना दिमाग मत लगाया कर, ना किसी और का दिमाग खराब कर। जा एक ग्लास पानी लेकर आ। अकड़ बक्कड़ बम्बे बो, पेड़ पे बैठी चिड़िया दो, मेघ फटा और बिजली कड़की, बारिश की बूंदें पड़ी सौ, मैंने पूछा कौन है वो? सामने क्यों नहीं आते? अकड़ बकड़ बारिश की बूंदें पड़ी सा। मिताली अभिमन्यु मर चुका है, हमने खुद उसकी चिता को आग दी है। मैं तुम सब लोगों को एक बात बताना तो भूल ही गई, आंगनवाड़ी में पोषाहार मेला होने जा रहा है। जाना किसी और को था और जान किसी और की चली गई। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।